जब बेटा खाना आ गया है, दोपहर के 3:30 बज गए, हमने आज कुछ ही नहीं किया, सिर्फ सोए हैं। एक्चुअली जब से हम लोग डेली आए, आज पहला दिन है कि हम थोड़ा फ्री हैं, आज कुछ करने का काम नहीं है, तो आज रिलैक्स कर पंखा बंद कर दो। जशु बेटू ताना ले दिए जान। अबे भाई ठंडा हो जाएगा खाना, उठो चलो उठो। ऑल्सो आज हमने रशी की डांस क्लास करवा दी है शाम को 8 बजे। रशी देख रही है थर्स्टी क्रो की कहानी। ये थर्स्टी क्रो की कहानी सब बच्चों ने पढ़ी स्कूल में, सब आने वाले सदियों तक भी पढ़ेंगे, हमने पढ़ी रशी वाली। कर रहा हूँ पढ़ाई रिवीजन अपना। सुनो तुम लोग पिछले आधे घंटे से बैठ के यहाँ लीची का कार्यक्रम कर रहे हो, तुम लोगों ने रियलाइज किया कि तुम्हारे पीछे एक बंदा रिवीजन कर रहा है? किसको पूछ लेंगे, पापा आप खाओगे? ना मम्मा ने ना बेटी ने। रशि तुम तो सुबह पापा वाओ कर रहे थे, तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्या किया इसने ऐसे बिना बोले? तेरे को तो मैं बताता। थैंक यू रशि वा मम्मा। चाय चाय 12 मंथ से ना ईयर बाद में चाय। रशि पहले चाय ना, पहले चाय ना। शिव हाँ जब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तब मैं पीटी करूंगी। हाँ और पापा को अगर चाय नहीं मिलेगी तो पापा के पेटू में गुड़ गुड़ हो जाएगी। रशि पापा मान सकती है। रशि नहीं पापा मान सकती है। सुना चलो को देखिए कितनी पढ़ाई करी। देखे जाए मंडे बेस्टी 12 मंथ इन अ ईयर। मैम तो तुम्हें वैसे ही पिट्टी करेंगी बेटा। अबे कुछ नहीं बोला उसको, आता है मंथ्स ऑफ द ईयर। रशि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे नहीं ढंग से। जून जुलाई अगस्त प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम कवि हाँ विनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूनिस नेपच्यून। सबसे छोटा एंड सबसे क्लोजेस्ट मकुबी। सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? सबसे ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट जो बल्ब की तरह चमकता है। अब नहीं वो तो है विनस। वो कौन सा जिसके तरफ ऐसे रिंग बनी हुई है? अब वो है प्लैनेट डंडा। वो है डंडा। तो वो तो सब हर घर की कहानी है। तो ये है चंदा दीदी, ये हमारे यहाँ काम कर रही है। तो चंदा दीदी कहती है कि चंदा दीदी कितने बजे? तो 6:30 बजे सुबह। मैं 7:30 बजे उठ जाती हूँ, 7 बजे तो चाय की दो। साबी चाय नहीं तो चाय पहले भी उठते बाद में कैसा होगा? 6 बजे उठ जाती है। 7 बजे चाय। और चंदा दीदी कह रही है कि चंदा दीदी की बहू कितने बजे उठती है? 8 बजे। तो मैं कह रहा हूँ ये हर घर में ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी हमारी ये मैडम उठती है 8 बजे, मम्मा सुबह उठ जाती है। लेकिन ऐसा हर घर में होता है क्या? हाँ दीदी ऐसा हर घर में होता है क्या? दिस इज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, वेरी गुड कन्वर्सेशन। जैसे ना मैं उठूंगी 8 बजे, फिर मैं अपने हिसाब से उठ के आराम से काट कूट के बनाऊंगी, लेकिन मम्मी आएगी, मम्मी 7 बजे 6 बजे आप भी ऐसे करते हो दीदी? सुबह सुबह उठ गए। लेकिन एक्चुअली घर में खाना हम खाते 9 बजे ही है, तो दीदी सुबह उठ के करने का क्या फायदा? इतना आराम से आप भी आराम से सो के उठो, 1 घंटा आराम से अपना सेहत का ध्यान दो। आदत वाली बात है, आदत हमारा पर्सपेक्टिव बता की 7:30 की क्लास है ना, तो 7:25 पे उठेंगे। 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में, 1 मिनट लगेगा शर्ट पहनने में, और एक ड्रेस हाथ में लेके चले जाएंगे। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या? हमारा 7:25 का अलार्म लगाएंगे, फिर उसको स्मूथ करके 7:28 पे उठेंगे, फिर 2 मिनट के ब्रश स्किप कर देंगे। सुनो ऐसे तो आने वाली पीढ़ियां भी नहीं करेंगे भाई। तुम हटे बगला से ब्रश नहीं करेंगे। आंटी तो कुछ भी नहीं, बताओ क्या है? मेरी दादी वो तो 4 बजे, मेरी दादी 4 बजे उठ के मंदिर जाती थी, 4 बजे उठ के नहा धो के मंदिर जाती थी, मंदिर से आती थी, उसके बाद घर में बनता था कुछ चाय वाय। तो मम्मी के साथ मम्मी को कहती थी तुम 3 बजे क्यों नहीं उठती, तुम 5 बजे। हाँ, मुझे लगता है तुमने लगता है सारी जीने की इच्छाएं छोड़ दी है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या हुआ? मैंने कहा रशि तूने बहुत गंदा काम किया, मेरे नोट्स में ना ये लिखती रहती है, मेरे 3-4 नोट्स खराब कर चुकी है। मैंने कहा रशि इज अ बैड गर्ल, लिखा रशि मेरे नोट्स खराब मत करो। कहती नहीं पापा मैं गुड गर्ल हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ। गुस्सा हो गई, मैं लिख देता हूँ रशि इज अ गुड गर्ल। तो मैंने कहा रशि इज अ गुड गर्ल, मैंने लिख दिया गुड गर्ल। फिर रोने लगी, मैंने क्या लिख दिया? आपने बैड गर्ल लिखा है। I was surprised, I was surprised and shocked that she knows मैंने बैड लिखा है। रशि तुम्हें कैसे पता चला? आपको लेकिन कैसे पता चला, कैसे पता चला ये बैड गर्ल लिखा है? एप्रिसिएशन रशि को नहीं जाएगा, इसका एप्रिसिएशन मम्मा को जाएगा, क्योंकि मम्मा पब आती है रशि को। मम्मा पब आती है भाई। तूने मेरा नाम रोशन किया। इसे कहते हैं अच्छे बच्चे, इसे कहते हैं न्यू गेम खोलेंगे हम लोग। अरे चाबी किसके पास है? तब से ऊपर नीचे चाबी की चाबी ले, बताना चाहिए पहले। रुक जा भाई, इधर डालना, इसका एक बटन होगा, देख रहे बटन बच्चा, ये है ये है।
रुको पहले देखो पहले यहाँ पैर रखना ठीक है। अरे सुनो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? माने पकड़ मेरा हाथ। माने अरे तू बच्चे हो माने तू इधर आ इधर नंगे पास नंगे पास छोड़ू माने छोड़ू नहीं मेरे को छोड़ियो नहीं मैं गिर जाऊंगा। हाँ हो गया हो गया खड़ा हो गया खड़ा हो गया माने हाथ में छोड़ियो हाथ में छोड़ियो मैं गिर रहा हूँ मैं गिर रहा हूँ सीख जाऊंगा मैं सीख जाऊंगा। हाँ हो गया हो गया हो गया देख पापा सीख रहे धीरे धीरे अगर सीधे हो जाओगे ना तो रुक जा अभी आगे की ओर झुकोगे तो चलने लगेंगे। बच्चे बच्चे रशी पापा क्यों आप पापा को संभाल नहीं पाते बेटा लेकिन सीख जाएंगे रशी चलाएगा चलाएगा। बैलेंस कर थोड़ा सामने देख नीचे देखोगे ना तो बैलेंस ही होगा। आप गिर जाते दो बच्चों के सारे भाई ये दोनों बच्चे गौरव देख हाथ पैर टूट जाएंगे मेरा मैं सोच रहा सारा भी तुझे गिर गया है। एक आई है पापा का एकदम पकड़ने सामने देखो माने सामने ऋषि क्रॉस पे रखो पैर चल चल हार नहीं मानोगे तो हो जाएगा हार नहीं मानना। ऋषि की ऑनलाइन डांस क्लास का समय हो चुका हम चलते नीचे देखते हैं वो क्या कर रही है और मान्या भी क्लास ले रही है साथ में। मान्या का प्लान तो नहीं था बट मान्या को भी डांस का बहुत शौक है हालांकि हमने स्लॉट सिर्फ एक का खरीदा बट काम चला लेगी। कब से दोनों छोड़ सकते चल रहा है वार्म अप चलो वार्म अप करो मम्मा भी कर मैं भी कर लेता हूँ तीन लोग तो है ही मैं भी कर लेता हूँ। सुनो वहाँ खड़े कर दो लोगों को वो हमें देख देख के कर लेंगे तो इनको देख देख के करेंगे तो सिविल सेव मनी। आहा ओए ये रशी की फ्रेंड मानने चली गई है रशी गुस्सा हो गई गुस्सा क्यों गुस्सा हो ढंग से बोलो सांस लेके बोलो प्लीज पापा हरे राम आंखों तो आईज कॉन्टेक्ट तक नहीं किया है उसको बस अरे पीछे पीछे हो पीछे हो पीछे हो आंखों में देख के प्रॉपर करो पापा को फिर पापा को देखो पहले आंखें इसकी यहाँ पे क्योंकि इसको ये देखना बहुत शैतान हो गए तुम। सुनो हाँ जब मैं फोबी थी तो टिकली का बच्चा आ गया था उसने क्या किया उसने मेरे को काटा कहाँ पे काटा दिखाओ या कहाँ अरे या थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग यहाँ पे करते हैं इसको समाप्त। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल हम जा रहे हैं ऋषि के ताऊजी से मिलने। बाय।